वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। और यहाँ पे देखिए बोबो सुबह सुबह उठ के रेडी है अपने स्पाइडर मैन के साथ। और बच्चे सुबह उठते हैं बहुत क्यूट लगता है। ब्रेकफास्ट हम निकाल दिए हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ भी स्पेशल नहीं है, कल जो बचा हुआ था सारा कुछ वही है। तो आपको हम दिखाते हैं अभी हम सबको क्या क्या खाने के लिए दिए हैं। मिठाई बोबो खा रहा रस मलाई, ये बोबो का प्लेट है। केक स्वीट्स, केक खीर हम फ्रीज में रखे हुए थे तो हम अभी निकाल के दिए सबको खाने के लिए। और ये रस मलाई, और यहाँ पे ये बैठ के खा रही है और ये भी बैठा हुआ है। यहाँ खाना बन गया है, ये दही चोखा, ये ग्रेवी है, पापड़ है, ये एक रोटी खिचड़ी। सो खाना का शूट किया, खाना शूट किया, खाने के बाद हम कुछ शूट ही नहीं कर पाए और अभी फ्रेश वॉश हो गए हैं। रिफ्रेश हो करके रिफ्रेश हो गए हम एकदम, वाटरमेलन वगैरह खा के इन लोगों को दिए हैं। और हम और शिवानी प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा हमें कहीं जाना है तो हम जाएं। और कल सब हुआ लेकिन हैप्पी एनिवर्सरी यहाँ टैग लगा था लेकिन यहाँ पिक्स नहीं क्लिक हो पाया। ऐसे ही होता है बहुत, जब क्यूस हो जाता है ना तो ऐसे ही होता है। हैप्पी एनिवर्सरी अभी भी लगा हुआ है तो हम बोले थोड़ा दिन इसका ना बज रहने दो। सपोर्टिव नहीं होता तो ऐसे ही होता है। नहीं तो जीजू कुछ नहीं बोले, बेचारे कल बहुत पिक्स क्लिक करवा लिया है पता नहीं कैसे, लेकिन हमेशा बहुत नाटक रहता है। तो चलिए फिर अभी हम लोग निकलते हैं कहीं, उसके बाद आएंगे। तो मुझे कहीं निकलना है। देखो शिवानी कौन सा जो अच्छा लगे तुमको, कौन सा समझ में आ रहा है? कोई भी, येलो वाला तो अच्छा लग रहा है। येलो तो अच्छा लग रहा है लेकिन तुमको सामने नहीं कोई फर्क दिक्कत। हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वीडियो कॉल पे रिंकी है और रिंकी हमेशा ना वीडियो कॉल पे एडवाइस ले रही थी, मार्केट शॉपिंग करने गई थी तो देखो कपड़े दिखा दिखा के पसंद करवा रही कि दीदी कौन सा ले कौन सा ले। और उस बहुत कंफ्यूज थी कि अभिषेक के लिए क्या ले। जीजू उसको लगता है जीजू बहुत पर्टिकुलर हैं, जीजू यही कलर पहनते हैं इसलिए वो कन्फ्यूज थे। और हम लोग यहाँ से बोल रहे थे तुमको जो पसंद आ रहा है तुम वो ले लो। हम शिवानी को भी, हम और शिवानी वही बोल रहे थे, रिंकी को बोल रहे चलो तुम कैमरे में हाय बोलो, वो दर्द से बहुत खुश हो गई। और हम अभिषेक को पूछ रहे थे कि तुम क्या बोल रहे हो बोलो, और वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, पूरा भाव खा रहा था कि नहीं नहीं तुम लोग को जो समझ में आता है देख लो तुम लोग। और ये रात का है डिनर का, और मैंने बीन्स और आलू बनाया था, बहुत लेट हो गया था खाना, मतलब 12:30-1 बजे हुआ था जिसके कारण से हम पूरा प्रॉपर शूट भी नहीं कर पाए थे। शिवानी को आलू बीन्स बहुत पसंद है। सो खाना हो गया, आपको हम क्या ही दिखाते, हम क्या मतलब दिखाएं, खाना दिखाएं बेटा हम बोल रहे हैं ना। सो हम खाना खा लिया, आपको दिखाया मैंने क्या खाया, बीन्स की सब्जी, रोटी, खीर था थोड़ा सा, खीर बहुत सारा बना दिए थे। मेरे घर में इतना सारा टॉय रहता है हर जगह, और आपको हम बोल रहे हैं शाम में हम ऐसा बिजी हुए, कुछ ऐसा हुआ सब हम लोग बिजी हो गए। और अभी बज रहे हैं रात के 1:30, और मेरे को कल निकलना है आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन मतलब कि हम कल गाँव जा रहे हैं, तो गाँव जा रहे हैं तो पैकिंग अभी हम किए नहीं है, अभी हमको रात में करना है। करेंगे ना शनि रात में पैकिंग, चलो तो अभी हम रात में पैकिंग, चुप रहोगे जरा सा। तो अभी हम सोच रहे हैं रात में हम पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद से कुछ किया जाएगा। तो रात में पैकिंग कर लेते हैं, और मेरे को कल दोपहर या कल शाम में मेरे को निकलना है, मेरे को कुछ बहुत अर्जेंट काम है गाँव में तो हम जाएंगे। तो आप लोग को तो लेके चलेंगे ही चलेंगे, और मेरा सबसे बड़ा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सोच रहे थे कि हम 3-4 दिन के लिए जो जा रहे हैं हम एटलीस्ट 4 दिन का वीडियो शेड्यूल कर देते हैं, लेकिन मेरे पास उतना शूट किया हुआ नहीं है। हम देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं निकालते हैं कुछ वीडियोस मिल जाएगा, क्योंकि हम जब करने वाले थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ बिल्डिंग में हमारे यहाँ ऐसा, तो कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। तो इसलिए अभी हम फ्रेश वगैरह होके खाए हैं, अब हम जा रहे हैं पैकिंग करते हैं, और उसके बाद से स्टार्ट करते हैं पैकिंग और दिखाते हैं हम कैसे कैसे आपको पैक करते हैं सब चीज़ें। हेलो टू एवरी वन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो रात में आपको हम जैसा बताए थे कि हम पैकिंग करने वाले हैं, पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ, किए ही नहीं, सो गए, बहुत लेट हो गया था नहीं शिवानी, तो हम नहीं किए। शिवानी अभी चाय बनाई है। हम शिवानी को एक दिन मेरे को रात में मैसेज करती है रात में 1:30-2 बजे कि दीदी हमको इडली खाने का बहुत मन है। तो हमको उस दिन से लग रहा था इडली बनाएंगे, और मैसेज हम मॉर्निंग में देखे, तो उसके बाद देखे तो बहुत लेट ही देखे थे, पता नहीं क्या कुछ और ही शेड्यूल था तो हो गया। तो आज हम बना रहे हैं इडली सांभर चटनी,
तो ये सारी चीज़ें बनने वाली हैं और मेरे को पैकिंग भी करना है, मेरे को निकलना भी है। तो देखिए सब चीज़ें करते हैं, क्या क्या कर पाते हैं। 11 बज गया है और टाइम तो है ही पैकिंग में, हार्डली से मुझे 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि सब चीज़ें धुली हुई हैं, समेटा हुआ है, प्रेस किया हुआ है, बस जाना है। और मेरे पति को फीवर आ गया है बहुत ज़्यादा, देखिए एक बार तकिया से हो गया तुम्हारा ऐसे गर्दन टेढ़ा बहुत ज्यादा पिलो लगाने से। तो ठीक था, क्योंकि क्या हुआ ना, स्प्रे हुआ और तुम सो। किचन में हम बना रहे हैं इडली। इडली तो आपको पहले बताया, सांभर वगैरह हम बना चुके हैं, छौंका नहीं लगा, तो छौंका लगा देंगे। और कुछ कुछ काम है जो फटाफट से हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं फटाफट कर लिया जाए, तो लेट हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे है दाल छौंक लेते हैं। और मेरे को लग रहा है मेरे को फ़ोन थोड़ा चार्ज में लगाना चाहिए, मेरे को और भी निकलना है, मेरे को बहुत सारा काम है। पता नहीं क्यों मेरे को, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि अब मेरा डिले हो जाता है चार्ज। मैं बैठ के पंचायती करती हूँ, क्योंकि हम बैठ के पंचायती करते हैं। हाँ हाँ, टाइम से ना टाइम टेबल है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, शिवानी बता रही है मेरे को। ठीक है चलिए अब हम काम करते हैं। मेरा था जितना काम था सब हो गया, हो गया क्या, बाहर का जो मेरा काम था हुआ। और अभी हम बाहर गए थे सो बोबो के लिए हम कुछ लेके आए, तो आप लोग को हम दिखाते हैं। क्या लाए बोबो दिखाओ, हम आज जाने वाले हैं तो हमको लगा कि मेरे बच्चे को कुछ तो चाहिए, तो हम सोचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे दो गाड़ियाँ, ये दोनों दिखाओ। मम्मा हमको ये थोड़ा छोटा लगा, ये हमको बड़ा लगा, ऐसा नहीं है मम्मा, ये हमको थोड़ा छोटा लगा, ये बड़ा लग रहा। लेकिन हमको तो अभिषेक को दोनों सेम ही लग रहा है। एक्चुअली सेम इसलिए नहीं है क्योंकि बोबो और डोडो दोनों के लिए आया, तो बोबो बहुत कंफ्यूज है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। एक बार आपको हम दिखाते हैं। ऊंचा नहीं है? नहीं तो बराबर है, एकदम सेम बराबर है। ए मम्मा थोड़ा ऊंचा है, आपको लग रहा है कि सेम है। बराबर। और यहाँ बोबो अपना सारा टॉय फैला के रखा हुआ है, है ना। और ये बोबो का है, ये डोडो का है, और ये बोबो का है, है ना। और ये बोबो को इसके पहले हम लेके आए थे, ये बोबो को हम दुर्गा पूजा में खरीदवाए थे। नहीं इसको खेलो, तो ये अच्छा मिल गया मेरे को, बहुत अच्छा। हम ऐसी मार्केट गए थे, अच्छा मिल गया तो हम ले लिए। हमको भी पता था बुखार बहुत पसंद है तो हम ले लिए। और किचन में इडली बन रहा है तो अभी हम बनाते हैं। पैकिंग हम अभी भी नहीं किए, 2 घंटे में निकलना है। हम सोचे पहले खाने का कर देते हैं फिर कुछ करते हैं। सो आपको हम बता देते हैं कि हम तो गांव जा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ शिवानी, बोबो और अभिषेक गांव नहीं जा रहे हैं, शिवानी और बोबो पटना जा रहे हैं। हम लोग घर से निकलेंगे तो हम सब निकलेंगे और सब अलग अलग जगह जा रहे हैं। नहीं हम जा रहे हैं गांव, उसके बाद 45 मिनट के बाद शिवानी की ट्रेन है, तो शिवानी जा रही है पटना, उसके बाद 45 मिनट या 1 घंटे या 2 घंटे के बाद जा रहा है अपने अपने कुछ है, तो सब जा रहे हैं। और उसके बाद अभिषेक और शिवानी वगैरह फिर पटना आ जाएगा अभिषेक, लेकिन हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभिषेक का कुछ स्पेशल है, तो 2-3 दिन का काम है उसके बाद से वो। हाँ बर्थडे है अभिषेक का, शिवानी जा रही है। ठीक है जाओ, हमको हमको फोन ली, फोन कहाँ है, फोन तुम नहीं जाओगे तो फिर फोन यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो फोन का करते हैं। देखते हैं आप फोन में क्या। वहाँ पे क्या किया, इडली चढ़ा दी। इडली चढ़ाने के बाद हम सोच रहे हैं ना कि जब तक उसका पानी गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ अपना बैग पैक कर लेते हैं। बैग पैक यहाँ पे हम बैग ला के रख दिए हैं अपना, और इसको अच्छे से पुछवा दिए थे, वो पुछ गया है, धुल गया है, जो होना था हो गया है। तो हम सोच रहे हैं एक बार हम पैकिंग अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। और हम पैकिंग बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार हो नहीं पाया है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, होता क्या है, हम कल ही करने वाले थे लेकिन ऐसा कुछ मिसफॉर्चुनेट हुआ जिसके कारण से हम कर ही नहीं पाए। तो हम सोच रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हम कपड़ा हम अरेंज कर दिए हैं। जा रहे हैं हम सिर्फ 3 दिन रहने के लिए, 1 दिन ट्रैवलिंग आना और 1 दिन ट्रैवलिंग जाना। मुझे ओवर एंड ऑल 5 कपड़े लगेंगे, और 5 फिर नाइट ड्रेस लगेगा, फिर नाइट ड्रेस, 1 नाइटी तो फिक्स है, वो नाइटी तो जाएगी जाएगी, आजकल लगता है वो मेरा फेवरेट वन हो गया है। और सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाते हैं। शिवानी अभी कहीं बाहर गई है, अभी हम तुरंत आए हैं और वो तुरंत चली गई है, पता नहीं ऐसा हो ही जा रहा है।
और यहाँ पे हम पैकिंग करना स्टार्ट कर दिए। मेरे को सच बताया, हम बहुत ऑर्गेनाइज वे में वीडियो बनाना चाह रहे थे, जैसे मैं भूल रही होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरा सोचा हुआ काम कभी नहीं होता है। ऐसा बिजी शेड्यूल हो गया था उस दिन का हमारा कि मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकती। इतना क्योस हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, साथ ही साथ बहुत कुछ हो गया था कि हम आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। इसलिए हम, मेरे को ऐसा लगा ना कि हमको वीडियो भी नहीं शूट कर पाए, लेकिन हम फिर भी किए वीडियो शूट और थोड़ा कोशिश की कि ऑर्गेनाइज वीडियो हम बना सकें। लेकिन जो भी हम बना सकें, आप देखो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और फिर मैंने सारा अपना पैक किया, अपना ड्रेस, और मुझे अकेले जाने में ऐसा लग रहा था ना कि बैग में कितना सारा जगह है कि बहुत सारा जगह हो गया है। तो मैंने सारा अच्छे से पैक करने जा रहे थे, आधा पैकिंग किए, फिर हम खाना बनाने लगे। तुम्हारे चिल्लाने से कुछ थोड़ी ना बदल जाएगा बेटा। जब बोलने वाले कहाँ रख दिए? अब हम पैकिंग कर उस रूम में, पैकिंग कहाँ पैक किए हैं, रख दिए हैं, एक दो और ले जाएंगे। यहाँ पे सामान रखे। अभिषेक चिल्ला रहा है, बोल रहा है तुम्हारा, तुम कुछ करोगी नहीं। कर तो हम सुबह से ऐसा लग रहा है वो इडली नहीं बिरबल का खिचड़ी बन रहा है, इतना टाइम लग गया। सो यहाँ पे पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो गया है। अब क्या क्या रखना बाकी है हम वो सोच रहे, रख लेते हैं। तो क्या क्या है बाकी तो क्या क्या बाकी है एक ये बुक, ये कॉम, शैम्पू, फेस वॉश और ये बस। मेरा सारा पैकिंग हो गया, तो अब बस बचा कुछ नहीं है। अब सारा पैकिंग होने के बाद हम सोच रहे हैं ना, टाइम हो रहा है, मतलब 5:30 हो रहा है, मेरे को लगता है हम 6:30 निकलेंगे। तो शिवानी यहाँ सो चुकी है, तो हम सोच रहे हैं हम भी आधे घंटे थोड़ा आराम कर लेते हैं। बुबू अभिषेक अभी है नहीं घर में, बाहर निकले हैं। और मेरा यहाँ पे देखो एक ये लगेज है और एक ये बैग है, हैंड बैग है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। चलिए हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय टू ऑल ऑफ यू।